हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो स्वागत है आप सभी के एक और नए गेमिंग एपिसोड में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं सॉरी बोलता हूँ गाइस कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, और वो भी टाइम पे नहीं डाल रहा। बीच बीच में दो तीन दिन का गैप हो ही जाता है, सो उसके लिए सॉरी। मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है उसके लिए, क्योंकि तुम समझ सकते हो कि गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा सा इधर उधर काम करना पड़ता है। सो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ टाइम पर। बट कोई ना, आज से मैं ट्राई करूँगा रेगुलर रहने का। सो आज हम लोग टीम करने वाले हैं ऑनिक को, और ऑनिक को टेम करने के लिए हमें जाना पड़ेगा केव में। तो उसको भी हम लोग टेम करेंगे। पिछली बार जब हम लोगों ने टेम किया था आर्थोप्लियडो को, तो उस वक्त मेरे को एक ऑनिक मिला था जो कि 140 लेवल का था, और उस पर मेरे को टेमेबल दिख कर आ रहा था। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसको भी टेम कर ही लिया जाए। तो आज हम लोग उसी को टेम करने वाले हैं, तो चलो फटाफट करते हैं उसको टेम। तो एक सूथिंग बाम लेते हैं ताकि 10 into फास्टर टेम हो सके। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बग रेप्लिकेंट भी बना ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग जाने वाले केव में, तो वहाँ पे काफ़ी सारे डाइनो होते हैं, तो हमें उनसे सेफ्टी रहने मतलब सेफ रहना होगा उनसे, जिससे कि हमें बग रेप्लिकेंट को यूज़ करना पड़ेगा। सो उसको बनाने के लिए मेरे को थोड़ा सा यहाँ रॉकेट चाहिए, तो मेरे पास रॉकेट काफ़ी सारे हैं, तो शायद से इतना में हो जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि वो कितना बनने वाला है। तो चलो इसमें मोटर पिसल बनाते हैं। वैसे मेरे पास और भी तरीके हैं इसको बनाने के, तो अगर आपको वो तरीके नहीं मालूम है तो कमेंट बताओ, मैं बता दूंगा कमेंट में। सो अभी हमारा रेप्लिकेंट यहाँ पे बन रहा है, तो चलो एक ही बन रहा है, कोई ना, हम एक से भी काम चला सकते हैं। तो चलो चलते हैं लेकर इसको भी, तो चलो चलते हैं अपने फटाफट से। और भाई हमारा आरजी वहीं सामने है, तो उसी के साथ हम लोग चलने वाले हैं। और भाई उसको प्राइमेट से हमें टेम करना है, तो एक काम करेंगे कि हम लोग जाते वक्त रास्ता में प्राइमेट का जुगाड़ कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं उस लावा केव, जो लावा माउंटेन होता है उसके बगल वाले केव के पास, क्योंकि हम लोग उसी में जाने वाले हैं। 2000 years later ऑल राइट गाइड, सो हम लोग पहुँच चुके हैं स्वैम्प केव के पास, और शायद इसका स्वैम्प केव नहीं, इम्यून केव कहा जाता है इसको। तो मेरे को इसका नाम मालूम नहीं है, तो कमेंट बता देना इसका नाम। वैसे हम लोग आ चुके हैं, तो आरजी को एक काम करते हैं, यहीं पर रहने देते हैं, ये काफ़ी ऊँची जगह है और यहाँ पर खतरा भी नहीं है। सो मैंने बोला था कि प्राइमेट का जुगाड़ मैं करूँगा, तो ये देखो मेरे पास प्राइमेट भी है। ओके, ये रहा गाइज, ये है प्राइमेट जिस कि मेरे पास 6 है अभी फिलहाल में। तो और ये हमारा प्रसूथिंग बाम, तो इसको पहले लगाते हैं, और एक बग रेप्लिकेंट को कंज्यूम कर लेते हैं, ताकि हम लोग केव के अंदर जाते कोई खतरा ना हो। इसको करते हैं पैसिव। और भाई ये देखो मेरे आसपास में कुछ चमक रहा है, तो वो बक रेप्लिकेंट है जिसको खाने के बाद एक स्मेल आता है बॉडी से। और भाई काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, काम करते हैं लाइट भी यहाँ पे कर देते हैं। वैसे मेरे पास एक ही लाइट है, तो मेरे को इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं केव के अंदर और ढूंढते हैं कहाँ पे हमें मिलेगा। वैसे हम लोगों ने बग रेप्लिकेंट को यूज़ किया है, जिसकी वजह से काफ़ी डायनो हम पे अटैक नहीं करेंगे, बट इसमें जैसे कि होते हैं वो स्कॉर्पियन, और एक होता है शायद से वो जो स्नैक होता है गाइस टाइटनोबुआ, वो हम पे अटैक कर सकते हैं, तो मेरे को उनसे सेफ रहना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। और भाई खतरा सामने, यहाँ पे स्कॉर्पियन आ चुका है, जिसको कि मैंने बोला था ये खतरा है भाई, ये आने रहा अटैक करने, काम करते हैं बॉस से ख़त्म कर देते हैं। और भाई ये खतरनाक वो है मेरे पास, जिससे कि मैं एक शॉट में किसी को भी ख़त्म कर सकता हूँ, लिटरली किसी को भी। सो चलो ये ख़त्म हो चुका है। अरे भाई लाइट टॉर्च क्यों नहीं उठ रहा है भाई साहब, इसको पहले मेरे को इधर साइड करना पड़ेगा लगता है। चलो टॉर्च ले लेते हैं फटाफट से। तो ये रहा हमारा टॉर्च, और सामने ही ऑनिक है। एक काम करते हैं, पहले इनका लेवल चेक कर लेते हैं। तो एक 95 का आ रहा है, एक है 15 का, एक 95 और एक 10 का है, मतलब कुछ खास लेवल का नहीं है। तो मेरे को सामने भी ऑनिक दिख रहा है, तो एक काम करते वहीं पर चलते हैं। और भाई लाइट ख़त्म हो चुका है हमारा, तो कोई ना, हमें इतना ही लाइट में काम चलाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, वापस से घूम के चलेंगे हम लोग, यहाँ से रिस्क नहीं लेंगे। तो चलो फटाफट से चलते हैं और उस साइड देखते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑनिक है, और भाई खतरा भी यहीं पर है स्कॉर्पियन, तो मेरे को पहले इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो बॉस ही ख़त्म कर देते हैं, और भाई एक शॉट ख़त्म, तुम लोग देख सकते हो यार। टाइटनो भी है भैया, टाइटनो बुआ यहाँ पे क्या कर रहा है यार, मेरे को इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। बट अंधेरा में कुछ दिख नहीं रहा है, तो मेरे को इसका भी कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, लाइट को यहाँ पर साइड करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं अपना इसको। तो यहाँ पर 25 लेवल का ही है सिर्फ, कुछ खास लेवल का है नहीं ऑनिक। ओ भाई है, शायद से एक है 100+ लेवल का एक है। अबे किधर था, अभी तो दिखा था भाई साहब। पहले मेरे को इनको टाइटेनोबुआ को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना ये टेम करने में काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। तो काम करते हैं, पहले फटाफट से इनको ख़त्म करते हैं। एक ख़त्म हुआ, एक और शायद से था यहाँ पे टाइटेनोबुआ, बट वो मेरे को अभी तक दिख नहीं रहा है यार। के शायद से ये मरा हुआ है वहाँ पर, 5 लेवल का था इसीलिए वो मर चुका था। सो एक और यहाँ पर होना तो चाहिए, बट मेरे को अभी दिख नहीं रहा है वो। ओके, ये रहा, चलो इसको भी ख़त्म कर देते हैं, और ख़त्म हो चुका है। और भाई ये 115 लेवल का यही है, तो यहाँ पे इसको शूटिंग बम का ऑप्शन आ रहा है, बट ये शूटिंग बम खा नहीं रहा है यार, मेरे को लगता है थोड़ा सा और नज़दीक जाना पड़ेगा। वैसे ये शूटिंग बम खा नहीं रहा है, तो एक काम कर नज़दीक चलते हैं।
और चलो इसने खाया तो इसको फटाफट से काम करते प्राइमेट। भाई साहब प्राइमेट यहाँ पे मेरा ख़त्म हो रहा है और सिर्फ दो ही बचा हुआ है मेरे पास। क्या यार सिर्फ दो में टेम हो पाएगा? अरे भाई मेरे को नहीं खाना था भाई साहब, क्या हो गया भाई? इसको खिलाना है भाई मेरे को नहीं। अरे नहीं यार इतना भाई, अब मेरे पास प्राइमेट ख़त्म हो चुका है और मेरे पास सिर्फ एक ही मीट बचा हुआ है। आई होप कि इसमें ये टेम हो जाए भाई। ले ले। अरे नहीं भाई क्या प्रॉब्लम भाई इसके, तब से खिलाया जा रहा हूँ एक भी नहीं खाया अभी तक। यार मेरे को यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा मीट का, तो इन पहले इनको मार देते हैं। ओके डन, चलो ख़त्म। इतना साथ से मेरे लिए काफ़ी होगा, तो मेरे पास टोटल 20 आ चुके हैं। तो चलो एक काम करते टेम करते हैं। भाई मेरे को नहीं खाना यार, इसको खिलाना है। ओके चलो अब फाइनली खा चुका है यार, और सिर्फ 18% टेम हो रहा है, यानी कि मेरे को काफ़ी देर लगने वाला है इसको टेम करने में। सो ट्राई करेंगे इसको कि ये फटाफट से टेम हो जाए, बट ये काफ़ी देर लगने वाला है। और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा अभी बग रेप्लिकेंट भी ख़त्म होने वाला है, और भाई ये टेम भी होने का नाम नहीं ले रहा है। तो चलो देखते हैं, ये भाई मेरा यहाँ पे बग रेप्लिकेंट ख़त्म होने वाला है, और भाई ये टेम होने में सिर्फ 18% हुआ है। चलो आया खिलाते इसको, और भाई इसको खिला। अरे नहीं यार ये भाई साहब, मैं इसके बीच में नहीं, सारे के सारे अटैक करने लगे। अबे जाने दो, पहले मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, और नहीं सारे मार देंगे मेरे को। भाई साहब क्या खतरनाक हो गया था कांड भाई। पिछली बार में जब मैं आया था तो ऑनिक में काफ़ी सारे मिलकर मेरे को डैमेज कर रहे थे, और मेरे को लिटरली मारने वाले थे उस वक्त, और इस बार भी वही हुआ लिटरली। चलो कोई ना, कोई अभी नहीं आ रहे थे, काम करते देख लेते हैं, शायद से वो शांत हो चुके होंगे। तो अभी, अरे नहीं शांत नहीं हुए भाई, आ रहा है ये सिर्फ 25 लेवल का है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा पीछा छुड़ा लेते हैं, और भाई लगता है ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। काम करते हैं इसको पहले मार देते हैं। तो आ भाई चलो दो शॉट ख़त्म। वैसे मेरे शॉट का डैमेज थोड़ा सा कम है, बट हमारे मेरे लिए जो काफ़ी है शॉट का डैमेज। तो अभी तक तो कोई नहीं है, लगता है सब शांत। अरे नहीं भाई साहब इतना सारा, अरे यार कचरा है भाई साहब, सब कचरा है, इतना सारे मिलके अटैक कर रहे हैं मेरे पे। खैर छोड़ो, मुझे अब टेम नहीं करना है, नेक्स्ट वीडियो में कभी टेम कर लेंगे। वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और मेरे पास बग रेप्लिकेंट पे जो कि ख़त्म हो चुका है, तो शायद से मैं अगर बनाने जाऊँ दोबारा से तो काफ़ी देर हो सकता है। सो खैर छोड़ो, इस वीडियो के यहीं पर करते हैं स्टॉप, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेम कर लेंगे ऑनिक को, और काफ़ी सावधान से करेंगे टेम। मेरे को नहीं मालूम था कि ये इतना हार्ड होने वाला है जिसको टेम करना। सो चलो चलते हैं, यहीं पे वीडियो करते हैं स्टॉप। सो मिलते हैं और नए गेमिंग एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।